आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के में। माँ काली और माँ पाथरी वाली आप सभी की जायज मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माँ काली और माँ पाथरी वाली के आशीर्वाद से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हर बार की तरह बेहद खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैपा और सेवादार में क्या अंतर होता है और ये एक होते हैं या अलग अलग, और साथ में बताऊंगा कि इनकी सेवा विधि और इनकी शक्तियाँ क्या है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रैपा की। वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने में सहायता होगी कि यह दोनों शक्तियाँ एक है या अलग अलग। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तभी सारी बातें आप समझ पाएंगे और आपके समझ में आएंगी। सबसे ज़्यादा रहपा शब्द बार बार सुनने को जो मिलता है वो क्षेत्र है यूपी और पूर्व में। ऐसा क्यों, आइए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। वहाँ कोई अगर कुछ समय पहले गुजरा है तो इस क्षेत्र में उसे रहपा की पदवी देकर पूज दिया जाता है, यानी कि जो भगत कुछ समय पहले ही अपने प्राण त्यागे है, कुछ वर्षों पहले ही, उसे वे वहाँ पर रैपा की पदवी देकर पूज देते हैं। और नए भगत के शीश जब वह मरा हुआ भगत खेलता है तो वह भी अपने आप को रैपा कहकर ही पंचायत को बताता है कि मैं ये रैपा हूँ नाम लेकर। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में रैपा शब्द अधिक प्रयोग होता है। यहाँ के काफ़ी व्यक्ति मेरे जानने वाले भी हैं जो कि भगत है, उनसे भी मैंने यह बात पूछी और उनका कहना था कि हरियाणा में सेवादार बोलते हैं और हमारे क्षेत्र में रहपा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि रहपा कौन होता है। रहपा अपने आप में एक विशेष व काफ़ी बड़ी ताकत होती है। अब सवाल यह उठता है कि रहपा होता कौन है और बनता कौन है, क्या रहपा एक ही होता है या एक से अधिक भी होते हैं। तो आइए जानते हैं, रहपा वह व्यक्ति होता है जिसके कुल में सबसे पहले उसके कुल की सोंज यानी जादू खेली हो। सरल भाषा में कहूँ तो कुल में सोंज को लाने वाला व्यक्ति ही रहपा बनता है। इसके अलावा वो अपने कुल से अलग अन्य कुलों में पूज रहा हो, वह व्यक्ति रहपा बनता है। जब पंचायती देव व देवियाँ किसी कार्य को करने में असमर्थ हो तब यह शक्ति उस कार्य को क्षण भर में करने में सक्षम होती है। अब यह तो बात हुई रहपा की, आगे बात करते हैं सेवादार कौन होता है। रहपा के बाद जो भगत घर की सोंज यानी जादू को अपने शीश खिलाता है और देव देवियों के आशीर्वाद से नियम अनुसार देव शक्तियों के चरणों में आराधना व वंदना करता है और चरणों में ही अपना जीवन त्याग देता है, वह सेवादार बनता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर भगत सेवादार बने, ये भी रहपा की मर्जी होती है, वो किसे सेवादार बनाता है और किसे नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में भेद पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इनकी सेवा विधि की। अधिकतर रहपा व सेवादार हुक्के की सेवा से जल्दी प्रसन्न होते हैं और नियमित रूप से हुक्का लगाने पर ये अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अधिकतर रहपाओं के जोड़े में देविया व कालखा चलती है, उनका भोग देने से भी यह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह बात हुई रहपा और सेवादार में क्या भेद होता है और रहपा और सेवादार कौन होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माई काली की, जय माई पाथरी वाली की।